हिंदू महासभा का अध्यक्ष बनने के बाद क्रांतिकारी सावरकर की जिंदगी का दूसरा अध्याय शुरू हुआ। वो मुस्लिम लीग के रिएक्शन में हिंदुत्व की राजनीति का झंडा उठा चुके थे। वो मुस्लिम लीग से ज्यादा कांग्रेस से नाराज थे और कांग्रेस के साथ उनका वैचारिक टकराव था, जो आजादी के बाद राजनीतिक दुश्मनी में बदल गया। महात्मा गांधी की हत्या उसका सबसे निर्णायक मोड़ था। गांधी हत्याकांड में बरी होने के बाद सावरकर के साथ क्या हुआ? सावरकर आजाद भारत की राजनीति में हाशिए पर कैसे चले गए? देखिए टेलीसीरीज का यह एपिसोड षड्यंत्र द डार्क रियलिटी। 3 जनवरी 1948, ब्रिगेड परेड मैदान, कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता। धर्म के आधार पर देश बट चुका था। बंटवारे के दौरान हुए नरसंहार के जख्म बेहद गहरे थे। हिंदू मुसलमान के दिलों में पैदा हुई खाई उससे भी गहरी। देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल उस दिन कलकत्ता में थे। एक कड़वी सच्चाई उनकी जुबान पर आ गई। 27 दिन बाद 30 जनवरी 1948, बिरला हाउस, नई दिल्ली। समय शाम 5:17। महात्मा गांधी की हत्या, ये वो घटना थी जिसने आजादी के बाद भारत की राजनीतिक दशा और दिशा दोनों बदल दी। 5 दिन बाद 5 फरवरी 1948 को वीर सावरकर को गांधी हत्याकांड की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का संबंध हिंदू महासभा से था। गोडसे का ये बयान अदालत में सच साबित हुआ। गांधी हत्याकांड में पुलिस के पास सावरकर के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसलिए अदालत ने सावरकर को बरी कर दिया। जिस मुकदमे में सावरकर बरी हो चुके थे, वही मुकदमा कांग्रेस के नेताओं का सियासी हथियार बन गया। कांग्रेस के नेता गांधी हत्याकांड के लिए सावरकर को आए दिन कटघरे में खड़ा करते रहे, जबकि गांधी हत्याकांड की जांच और मुकदमे का ट्रायल कांग्रेस के राज में ही हुआ था। सवाल यह भी उठा कि सावरकर को गांधी हत्याकांड से क्या हासिल होने वाला था? वो हिंदू महासभा को मजबूत राजनीतिक पार्टी के तौर पर स्थापित करने में जुटे थे, और गांधी हत्याकांड में नाम आने का एक ही मतलब था कि हिंदू महासभा जनता की नजर में अछूत हो जाती। गांधी हत्याकांड को नेहरू सरकार ने सावरकर और आरएसएस के हिंदू राष्ट्र के उग्र विचार का नतीजा माना। दोनों संगठनों पर पाबंदी लगा दी गई, जो ज्यादा दिन टिकी नहीं। लेकिन सावरकर की आजाद भारत की कांग्रेस सरकार के साथ जंग जारी रही, जबकि कांग्रेस नेताओं का दिल भी जानता था कि सावरकर दिल से राष्ट्रभक्त थे। 17 अक्टूबर 2019, ये सावरकर जी के जीवन के दो पहलू हैं। पहला तो बहुत ही उल्लेखनीय है, जहां उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया। दूसरा पहलू है जब उन्होंने माफ़ी मांगकर वो वापस लौट कर आए। तो इस दोनों पहलू पर भी हम लोगों को विचार करना चाहिए, और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि महात्मा गांधी की हत्या में षड्यंत्र में उनका नाम भी दर्ज हुआ था। गांधी हत्याकांड से बरी होने के कुछ ही दिन बाद सावरकर को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार उन पर हिंदुत्व के नाम पर लोगों को भड़काने का आरोप लगाया गया। सावरकर को रिहा करने के लिए भारत सरकार ने भी वही शर्त रखी जो अंग्रेजों ने रखी थी। सावरकर को आजाद भारत में भी राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहने का सरकारी फरमान सुना दिया गया।